प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम कक्षा 11 के छात्रों के लिए कुछ प्रश्न समझा रहे हैं। ये प्रश्न कक्षा 11 की गणित की NCERT की हिंदी संस्करण की पाठ्यपुस्तक से लिए गए हैं और प्रश्न प्रश्नावली 3.5 के हैं, 3.2 के, आई एम सॉरी 3.2 के हैं और प्रश्न नंबर 6 से लेकर प्रश्न नंबर 10 तक हैं। इस प्रकार से 5 प्रश्न हैं। आपका प्रश्न है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ये छठा प्रश्न आपकी पुस्तक में साइन 765 अंश का मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले आपको मैं यही प्रश्न समझा रहे हैं। छठा प्रश्न साइन 765 अंश। देखिए ऐसा है, जब हमें साइन का या कॉस का या टेन का किसी का भी मान निकालना होता है और वह एंगल यहाँ पर जो होता है 360 अंश से बड़ा होता है तो हम उसके लिए 360 से भाग कर लेते हैं। यदि छोटा है तब तो बात और है, लेकिन बड़ा है तो ज़रूर भाग करना पड़ता है। तो 765 को 360 से भाग करेंगे तो दो बार चले जाएंगे आपके और 720 ये आ जाएंगे, 45 शेष बचेगा। इसका मतलब ये हुआ 765 के स्थान पर आप लिख सकते हैं 2 × 360 प्लस 45। तो इसके स्थान पर आप लिख सकते हैं, इस पूरे के स्थान पर लिख जाएगा साइन 2 × 360 अंश प्लस 45 अंश। इसका मान जो है वह 765 अंश के बराबर ही रहा, लेकिन इसका रूप परिवर्तित हो गया है। अब आपको एक सूत्र मालूम होना चाहिए, साइन एन गुणा 360 अंश प्लस थीटा, इसका मान जो होता है वह साइन थीटा के मान के बराबर होता है। तो यहाँ पर एन का काम 2 कर रहा है और 360 सूत्र के आ गए और थीटा का काम 45 कर रहा है। जब हम इस सूत्र से मिलाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा साइन 45 अंश। और जैसा कि आप जानते हैं साइन 45 अंश का मान 1/√2 होता है, इसका मान आप लगा देंगे तो ये मान आपको प्राप्त हो गया 1/√2 उत्तर। इस प्रकार से ये प्रश्न आपका हल हो जाता है। आपको सूत्रों की जानकारी होना चाहिए। अब आपको हम प्रश्न नंबर 7 समझा रहे हैं। कौशिक -1410 अंश। देखिए ऐसा है, अगर एंगल में यहां पर माइनस का चिन्ह देता है, एंगल नेगेटिव में देता है, तो अच्छा यह है कि सूत्र होता है साइन माइनस थीटा का भी सूत्र होता है, कॉस माइनस थीटा का भी सूत्र होता है, टेन माइनस थीटा का भी सूत्र होता है, कॉट माइनस थीटा का भी सूत्र होता है और सेक माइनस थीटा का भी सूत्र होता है और कॉसिक माइनस थीटा का भी सूत्र होता है। जिस त्रिकोणमिति अनुपात का प्रश्न हो उसी से संबंधित सूत्र लगा दीजिए, क्योंकि आपका ये प्रश्न कॉसिक से संबंधित है और इसका सूत्र होता है कॉसिक माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉसिक थीटा। ये सब सूत्र मैंने नहीं लिखे हैं, होते सभी के लिए हैं। तो पहले हम यहाँ पर ये मान लगा देंगे, ये वाला सूत्र लगा देंगे, जब हम ये वाला सूत्र लगा देंगे तो इससे हल प्राप्त हो जाएगा माइनस कॉसिक 1410 अंश। देखिए आपकी एक या दो लाइन बढ़ जाए उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप यदि लाइनें छोड़ने के चक्कर में प्रश्न को गलत कर देंगे, नियमों का उल्लंघन हो जाएगा, तो आपकी प्रश्न समझ में भी नहीं आएंगे और आपको फिर परीक्षा में अंक भी पूरे प्राप्त नहीं होंगे। अब चूंकि यहां पर एंगल जो है वह 1410 डिग्री का है और ये एंगल 360 से बड़ा है, इसलिए इसको हम 360 से भाग करेंगे। जब 360 से भाग करेंगे तो 3 बार चले जाएंगे, 0 यहां पर आ जाएगा, 3 6 18, 3 3 और 1 10, 0
और यहाँ बचाएगा आपका तीन और यहाँ बचाएगा तीन। तो इसका मतलब ये हुआ 1410 अंश बराबर हो गया तीन गुणा 360 प्लस 330 अंश। क्लियर? तो इस जो आपका 1410 अंश यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लगा देंगे तीन गुणा 360 अंश प्लस 330 अंश, तो हमें फल प्राप्त होता है माइनस कौशिक तीन गुणा 360 अंश प्लस 330 अंश। क्लियर? अब देखिए, जैसा कि आप जानते हैं और इन सूत्रों की आपको जानकारी होना ही चाहिए, कौशिक एन गुणा 360 अंश प्लस थीटा बराबर होता है कौशिक थीटा के। यहाँ पर एन का काम तीन कर रहा है, ये शर्त पूरी हो रही है, और यहाँ पर थीटा का काम जो है वह 330 अंश कर रहा है। इसलिए इस सूत्र का प्रयोग करते हुए इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं, ये नेगेटिव का चिन्ह तो पहले चल रहा है वो आ जाएगा, और यहाँ पर लिख सकते हैं हम कौशिक 330 अंश। अब चूंकि ये कोण 330 अंश से छोटा है, इसको हम कई प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन इसको आप यदि इस प्रकार से लिख लें तो आपको परिश्रम कम करना पड़ेगा। 330 अंश बराबर होता है 360 अंश माइनस 30 अंश। और ऐसा नहीं है कि जो आपके मन में है सो लिख लें, यहाँ पर 180 अंश, 360 अंश, 270 अंश, 90 अंश ऐसे आता है, उसी के सूत्र होते हैं, तो सूत्रों का भी ध्यान लगाना पड़ता है कि ये कोई सूत्र है नहीं है, ठीक है ना। तो इस 330 अंश के स्थान पर हम लिख लेंगे मानस, तो ये आ जाएगा कौशिक 360 अंश माइनस 30 अंश। इसका मान जो है वह 330 अंश के बराबर ही रहा, लेकिन इसमें हमारे लिए एक सूत्र है, वह सूत्र बन गया हमारा, ये सूत्र होता है कौशिक 360 अंश माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कौशिक थीटा। तो यहाँ पर थीटा का काम 30 अंश कर रहा है और इस सूत्र का यह प्रयोग होगा, तो इतने के स्थान पर आपको फल प्राप्त हो जाएगा, नेगेटिव का चिन्ह जो पहले चल रहा था वो आ गया, और यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा नेगेटिव कौशिक 30 अंश, और कौशिक 30 अंश का मान आपको याद होना चाहिए ये दो के बराबर होता है। तो देखिए ये ब्रैकेट खुलेगी तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और कौशिक 30 अंश का मान लगा देंगे तो दो, कौशिक 30 अंश का मान दो होता है, ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न पूरा हो जाता है। अब देखिए आपको हम आठवां प्रश्न समझाएंगे, इन सब सूत्रों की आपको जानकारी होना चाहिए, ये सूत्र आपकी पुस्तकों में मिल जाएंगे, और वैसे मैं भी आपको इन सूत्रों के बारे में जानकारी दे दूंगा, लेकिन आज इनके प्रश्नों के साथ में जानकारी देना कठिन है, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, 10 19 पाई बटे 3। तो देखिए जब बटे में देता है या सही बटे में देता है तो हम उसके पहले सही बटे बना लेते हैं, 19/3 को लिख सकते हैं हम 10, तो ये आ जाएगा, और 6 सही 1/3 पाई। 19/3 का मतलब होता है 6 सही 1/3, और अगर आपका मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 5 सही 2/7, इसका मतलब ये लिखा हुआ है 5 + 2/7। यदि आपका लिखा हुआ है 18 सही 3/5, तो इसका मतलब ये लिखा हुआ है 18 + 3/5। तो इसी प्रकार से और पाई ये लिखा ही जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम 10 6+1/3, और पाई ये लिख जाएगा। इस पाई की हमें इससे भी गुणा करनी पड़ेगी और इससे भी गुणा करनी पड़ेगी, तो हमें फल प्राप्त हो जाएगा 10 6π + π/3। और 10 के संबंध में सूत्र होता है टेन
टेन एन पाई प्लस थीटा बराबर होता है टेन थीटा के। तो यहां पर एन का काम 6 कर रहा है और थीटा का काम पाई बटे 3 कर रहा है। तो आपसे इस सूत्र के साथ आशय आपको हल प्राप्त हो जाएगा टेन पाई बटे 3। अब या तो आपको टेन पाई बटे 3 का मान मालूम होना चाहिए, और यदि नहीं मालूम है तो संभवतः अंशों में आपको इसका मान जरूर याद होगा, और पाई बटे 3 रेडियन बराबर होते हैं 60 अंश के। तो इसको लिख सकते हैं हम टेन 60 अंश, और टेन 60 अंश का मान होता है अंडर रूट 3 के बराबर। तो आप यहां पर लिख देंगे अंडर रूट 3, ये इसके बराबर आ गया। ये इस प्रकार से ये टेन 19 पाई बटे 3 रेडियन का मान निकल आया और ये आपका उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 8 हो गया। अब प्रश्न नंबर 9 बता रहा हूं आपके लिए मैं। नियमों की जानकारी रखिए, नियमों के अनुसार करिए, एक दो लाइन आपकी बढ़ जाती है कोई बुरी बात नहीं है। साइन माइनस 11 बटे 3 पाई। तो देखिए इसमें पहले हमें सूत्र लगा, यहाँ पर एंगल नेगेटिव में होता है, तो पहले जो आपको बताए थे 6 सूत्र साइन माइनस थीटा कॉस माइनस थीटा, ये सब सूत्र होते हैं ना, इनमें से जिस सूत्र का प्रयोग हो सकता है उस सूत्र का प्रयोग करके पहले यहाँ का नेगेटिव का चिन्ह जो समाप्त कर देते हैं। तो आपको ये सूत्र याद होना चाहिए, साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। यहाँ पर थीटा का क्या हम 11 पाई बटे 3 कर रहा है और नेगेटिव का चिन्ह ये है, तो इससे आपको फल प्राप्त हो जाएगा माइनस साइन 11 बटे 3 पाई। अब ये बटे में है, भिन्न में है, इसलिए आप इसके सही बटे बना लीजिए तो आपको सुविधा रहेगी। माइनस साइन और ये बन जाएंगे आपके 3 से ही 2 बटे 3, 3 9 2 11 और पाई ये रहेगा। इसको आप लिख सकते हैं जैसा कि आपको भी बतलाया था, साइन 3 प्लस 3 9, तो इसको आप लिख सकते हैं 3 प्लस 2 बटे 3 और पाई ये लिख जाएगा आपका, और इसको आप लिख सकते हैं माइनस साइन 3 पाई प्लस 2 पाई बटे 3। क्लियर। अब देखिए ऐसा है कि आपके पास जो सूत्र है वह साइन 2n पाई प्लस थीटा का सूत्र है। यहां पर जो है पाई के साथ जो गुणांक है ये सम में होना चाहिए, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, और यहाँ पर ही विषम में आ रहा है। थीटा का काम तो यहाँ पर चलो हम मान लेते हैं कि 2 पाई बटे 3 कर रहा है, लेकिन ये सूत्र नहीं बन रहा है, इसलिए इसका सूत्र बनाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस साइन 2 पाई प्लस 2 पाई बटे 3 लगा देंगे। अब ये एंगल जो बना हमारा पाई प्लस 2 पाई बटे 3, ये थीटा का काम करने लगेगा और ये सूत्र बन गया हमारा। यहां पर जो है पाई के साथ में सम गिनती आना, सम गुणांक आना चाहिए, तो ये बन गया साइन 2 पाई प्लस 2 पाई बटे 3, ये हमारा थीटा का काम कर रहा है, और ये बराबर होता है आपका साइन थीटा के। तो इस सूत्र के आधार पर आप लिख सकते हैं माइनस साइन, ये थीटा आपका ही है तो ये लिख जाएगा आपका पाई प्लस 2 पाई बटे 3। अब इसमें सूत्र आपको फिर लगाना पड़ेगा, ये साइन पाई प्लस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा के। तो ये पाई का आपका ये रहा और ये साइन थीटा आ जाएगा, और इस सूत्र के कारण नेगेटिव का यहां पर चिन्ह आ जाएगा, तो आपको फल प्राप्त होगा माइनस, और ये होगा माइनस साइन 2 पाई बटे 3, और ये बराबर हो गया आपका साइन 2 पाई बटे 3। और 2 पाई बटे 3 एंगल जो है वह 60 अंश के बराबर 120 अंश के बराबर होता है। तो यदि आपका मन है और आपको जानकारी है तो आप इसका मान जो है तुरंत लगा दीजिए, 120 अंश साइन 120 अंश का मान होता है अंडर रूट 3/2, ये उत्तर हो गया आपका। और आपको अगर रेडियन में नहीं मालूम है तो आप इसको पहले अंश में बना लीजिए,
साइन दो गुणा 180 बटे 3, इससे काटेंगे 60 आ जाएगा और ये आ जाएगा साइन 120 अंश, और इसका मान आप अंडर रूट 3/2 लगा दीजिए। और आप यदि मान लीजिए ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो इसका फल आप ऐसे कर सकते हैं कि इसको आप लिख सकते हैं साइन पाई माइनस पाई बटे 3, क्योंकि इसको जब हल करेंगे तो हल करने के बाद ये 2π/3 आ जाएगा। और एक सूत्र होता है साइन पाई माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा के, तो ये बराबर हो जाएगा आपका साइन पाई बटे 3 के, और साइन पाई बटे 3 बराबर होता है 60 अंश के। तो आप या तो डायरेक्ट मान लगा दीजिए इसका, और आपको अगर नई जानकारी है तो आप ऐसा करिए ये 60 अंश के बराबर लिख लीजिए, फिर इसका मान लगा दीजिए 3/2 उत्तर। तो जिस प्रकार से आप प्रश्न को हल कर सकते हैं उस प्रकार से आप प्रश्नों को हल कीजिए, लेकिन नियमों का कहीं भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 9 हो जाता है। अब आपको मैं प्रश्न नंबर 10 बता रहा हूँ। कॉट माइनस 15π/4। देखिए इसमें यहाँ पर चूंकि कोण के साथ में नेगेटिव का चिन्ह है, इसलिए पहले इसमें हम सूत्र लगाएंगे कॉट माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉट थीटा के। यहाँ पर थीटा का काम 15π/4 कर रहा है, तो हमें फल प्राप्त हो जाएगा इससे माइनस कॉट 15π/4। जैसा कि आपको बतलाया यहाँ पर अगर बटे में होता है तो उसको आप सही बटे बना लीजिए, कॉट 3 सही 3/4 ये बन जाएंगे और पाई ये बन जाएगा, और इसके माने माने जाएंगे आपके कॉट 3 प्लस 3/4 पाई आ जाएगा। पाई से अंदर गुणा करेंगे तो आपको फल प्राप्त होगा नेगेटिव का, ये हो जाएगा कॉट 3π प्लस 3π/4। और जैसा कि टैन का संबंध में सूत्र बताया था आपको, उसी प्रकार से कॉट के संबंध में सूत्र है, कॉट एन पाई प्लस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा के। तो यहाँ पर एन का काम तो 3 कर रहा है, यहाँ पर ये सम विषम की जरूरत नहीं है, अगर सम है तब भी कॉट के लिए सूत्र सही है, विषम है तब भी सही है। तो यहाँ पर थीटा का काम जो कर रहा है 3π/4 कर रहा है, और इसलिए इतने का मान इस सूत्र की सहायता से ये बराबर हो जाएगा, नेगेटिव ही आ जाएगा कॉट 3π/4। अब या तो आप पाई का मान लगा के इसे अंश बदल लीजिए और इस प्रकार से कर लीजिए, लेकिन उसमें आपको हो सकता है थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़े, आपको इतना बड़ा कोण हो जाएगा उसका मान हो सकता है ना मालूम हो, इसलिए आप यहाँ पर ऐसा करिए कॉट ही लिख दीजिए और आप इसके स्थान पर लिख दीजिए कॉट पाई माइनस पाई बटे 4। तो इसका मान जो है 3π/4 के बराबर ही रहा, लेकिन इसका रूप बदल गया, और फिर एक सूत्र याद होना चाहिए आपको कॉट पाई माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉट थीटा के। तो ये थीटा का काम पाई बटे 4 कर रहा है, और इस सूत्र के हिसाब से माइनस और आएगा, तो माइनस तो एक पहले का था और यह प्राप्त होगा माइनस कॉट पाई बटे 4, और ये नेगेटिव और नेगेटिव की मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव का हो जाएगा, और ये कॉट पाई बटे फोर माने होता है 45 अंश, पाई बटे 4 रेडियन में लिखा हुआ है, इसके अंश बना लीजिए आप। वैसे अंश बनाना आवश्यक नहीं है, यदि आपको डायरेक्ट कॉट पाई बटे 4 का मान मालूम है तो आप लिख दीजिए, और आपको यदि उसमें सारणी याद नहीं है अंशों में याद है तो आप बना लीजिए और इसका मान होता है 1 उत्तर। इस प्रकार से ये प्रश्न आपके हल हो जाते हैं। जो नियम है उन नियमों को ध्यान रखिए, सूत्र आपके लिए आपकी पाठ्य पुस्तक में सब मिल जाएंगे, और वैसे मैं यदा कदा इन सूत्रों के आधार पर आवश्यक सूत्रों का वीडियो बनाता रहता हूँ, आप उनको देखिए उससे याद कीजिए। आज का प्रश्न पूरा होता है, नमस्कार, धन्यवाद।